Hey everyone, good morning. How are you? Hope so आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ नए फेसेस देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, मेरा स्केड्यूल बिजी था, कल तबीयत ठीक नहीं थी, बट आज फिर मैं बैक टू अपने उसमें आ गई हूँ वर्क, क्योंकि होता ऐसा है कि काम भी जरूरी है और साथ में जो बहुत सारी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज होती हैं उनको मिलने के लिए मैं एक्टिव हो गई हूँ। एक मैंने आज सुबह पोस्ट डाली थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, ड्रिप वगैरह लगवाई, और अभी मैं इतनी खुश हूँ ना, क्योंकि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ना उनको देख के सीरियसली मतलब मेरे को बूस्ट मिल गया। और अभी मैं मिलवा देती हूँ आपको। हेलो जी, सत श्री अकाल। अपना नाम से आप दस दे। हेलो जी, मैं अमरदाब। मैं हटा परम शिरगिल, परम जीजू इधर सिमी। ते आज अपन बहुत सारियां गल्लां कीतियां ते जी करनियां भी नहीं, बट उस तो पहला मैं आज परम दे नहीं, सॉरी अमर दे, अमर एक सिमी दे ते अमर दे हेयर एक्सटेंशन करने आ। इन्हां दे छोटे छोटे वाल बहुत वड्डे कर देने। मैं पंजाबी और हिंदी मिक्स व्लॉग बनानी है एक्चुअली, क्योंकि मेरे व्यूअर्स हिंदी वाले भी नहीं तो पंजाबी वाले भी नहीं। बहुत सारियां गल्लां कर लिया, बहुत वधिया लग रहा, बट हुण काम बहुत जरूरी है। पहला मैं इन्हां दे एक्सटेंशन करके दिखा के सारा कुछ, फिर बाकी दीआं चीजां असीं विच विच दिखाउंदे रहांगे। असीं फर्स्ट टाइम विजिट कीता हेयर गार्डन दे विच, मैनूं तां इन्ना सोहणा लग्गा ना, मैनूं लग अंदर आ के फुल ओ माय गॉड मैं कित्थे आ गई आ। मतलब बहुत सोहणा तुसीं बनाया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत सोहणा, मतलब इस ऑल ओवर बहुत कैंट बनया होया वा। चलो थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਧਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। अभी अमर का जब तक डिसाइड होता है कि कौन सा कलर करवाना है, तब तक मैं सिमी से बात कर लेती हूँ कि इनको कौन सा कलर चाहिए। पहले आपका कलर डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन कीजिए। मैंने बालों की एक्चुअली होता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप डार्क शेड में क्यों देते हो कलर, मेरे पास कमेंट आया हुआ था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि उनके बाल डैमेज हो जाएं, उससे पहले मुझे उनके बालों की जो एक बार उम्र है वो चेक करनी पड़ेगी, उनके साथ क्या उन्होंने पहले करवा रखा है, वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद हम कलर करते हैं। तो आदर सिंह, आपने जो कलर करवाना है एक बार बताओ आपको कि आपको बाल देख के उम्र बता दो। जान प्राण है खत्म कर रखे है, कलर अपना देखो केड़ा करवाना, फिर आप कर स्वी कलर होना बाकी है, एक्सटेंशन लगा दिए। अभी इसके बाद हम करने जा रहे हैं अमर के बालों पे कलर। कलर जो है वो लाइट शेड में चूज किया उन्होंने, तो एक्सटेंशन के बाद एक बार लंबे लंबे दिख रहे हैं, बट पता चल रहा है कि यहाँ से एक्सटेंशन है क्योंकि कलर डिफरेंट है। करते हैं कलर और उसके बाद का फिर आप। बड़ी मुश्किल लंबे बाल है, बड़ी मुश्किल लंबे हेयर स्टाइल करन दोगे, हो गया कुछ बनाते रहेंगे, लाइक गुत कर लवेंगे कुछ कर लेंगे। नहीं बिल्कुल, तुम पोनी भी कर सकते हो। नहीं, मैंने गुत का लगा शौक है, गुत कर इतने व्लॉग स्टार्ट है यहां पे, तीन दिन व्लॉग स्टार्ट है। मैम इधर दिखा दो, इधर आए कर। हुण मैं दस दिनी हाँ, सिमू दे हेयर एक्सटेंशन जिहड़े आ कंप्लीट हो गया, रिजल्ट देख लो तुसीं, बहुत सोहणा जाया। ते सिमू हुण जा रही है अमर मेरे कोल अज्ज, अमर नूं नाल दी लेके जा रही है, अज्ज इहनां दी नाइट स्टे है। सिमू दोबारा कदों आओगे दस्सो? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी।
ਕਿਵੇਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗਾਇਸ ਸਿਮੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਨੇਚਰ ਹੈ ਸਿਮੂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਜੀਜੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਜੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਓਗੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅਨੁਜ ਭਈਆ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਸਾਡੀ 8-10 ਵਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਰੋਣਾ ਰੀਤ ਭਾਵੀ ਜੋ ਹੈ ਲਗਵਾਉਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਪਤਾ ਮੈਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਯਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਅਕੜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਉਨਸੇ ਲਗਵਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਲਗਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਲਗਾਤੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲਗਾਤੇ ਹਨ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਮ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਲਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਚਲੋ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਮੈਟਰ ਪਰ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਡਨ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਧਰ ਭਾਬੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰੀ ਭਾਬੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਹਮ ਇਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਸਰ ਇਨਕੋ ਮੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮੱਠੀ ਖੱਟੀ ਮੱਠੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਤੋ ਭਈਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਮੈਂ ਸਭ ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਲੜਕਾ ਅਭੀ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਲਗੇਗਾ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ ਬਸ ਤੋ ਗਾਇਸ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਇਨਕੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਭਈਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਧਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਸਤ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕਿਆ ਹੈ ਸਭ ਇਧਰ ਯਹਾਂ ਭੀੜ ਬਾੜ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਦੇਖ ਰਹਾ ਯਾ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਹਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੇ ਕੋ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇ ਦੇ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇ ਦੇ ਓ ਦੇ 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 ਰਹੀ ਹੈ ਇਧਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਰੀਤ ਬਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਕੋ ਘਰ ਜਾ ਸੋਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਥੀ ਉਸਕਾ ਖੇਤ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਭਈਆ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹ ਠੀਕ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਕੋ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਬੜੀਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਚਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਧੁਲ ਕੇ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਛਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਭੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਈ ਆਜ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਆਜ ਆਪਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੋ ਗਾਇਸ ਅੱਛਾ ਗਾਇਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਦੇਣਗੇ ਵੈਸੇ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਗਾਇਸ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਇਸੇ ਪਾਸ ਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਯਾਬ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਭਈਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਧੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਲੜਕਾ ਯਹੀਂ ਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਲੀ
मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत पसंद कर लेती, चलो मेरे को लगता कि ठीक है। अनुज भैया ने बार बार कैमरा ऑन करके एक ही चीज बोली कि भाभी का एक हाथ दूसरे हाथ से शर्मा रहा है कि अच्छी मेहंदी तो डिमोटिवेट कर दिया। अभी इन्होंने पहले वाली दुल्हा के ऊपर बनवाई है तो इसको बोलते हैं खिचड़ी लुक, ये यहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी। नहीं बनेगी खिचड़ी, देखना भैया देखना, आपको देखना कितनी अच्छी लगवानी। नहीं मेहंदी कहाँ लगवा रहे, इधर ही लगवा लो, वो बेचारा आया हुआ है, जो पे वहाँ करना है वो यहाँ कर देना उसको। और इधर यहाँ पे जो हमारी अमर जी है उन पे लगे जो है 3 बंदे लगे, कम से कम 4 घंटे हो गए इनको बैठे हुए, और लोकेशन भी उधर से चेंज कर दी है पूरी। और क्या, चेंज करके हमने अपनी लोकेशन उधर की इधर कर ली है, अब इधर से 3rd location भी जाएंगे। 3 location तो है। बंटी कितने टाइम और लगूगा? 10-12 घंटे और तो ठीक है, मैं एक नींद पूरी करके आओ। नहीं आप तो ऐसे सो जाओ, ये तो करते रह गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। चलो अभी इसको तो, यही करके हाथ पूरा कर देना। तो भाभी ने जो है इतने मेहंदी लगवानी है और वो उत्थे बाल कराने हैं, तो इन्हू टाइम लग जाना 10-12 घंटे। 10-12 बज जाने हैं। हां तो मैं चलिया सी, ठीक है, मैं 12 बजे आना। ठीक है, मैं खाना बनाना जाके तो भैया 10:30 बज चुके हैं और आपने कभी भी इस टाइम का माहौल नहीं देखा होगा कि इस टाइम भी क्लोजिंग टाइम पे भी यहाँ पे काम चलता है और यहाँ पे लगे पड़े। मैं एक नींद पूरी करके आ चुका हूँ और आप नींद पूरी कर चुके हो, हमारी नींद अभी तक आई नहीं हमें। और इन्होंने एक बार फिर लोकेशन चेंज कर दिया अमर अमर जी। तीसरी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, इनका शूट बराबर चालू है और अब हम पहुँचते हैं मेहंदी, जिन्होंने मेहंदी की रस्म अभी नहीं, अभी दुल्हे के बाद। ये सुन रहे हो अनुज भैया की बात, ये मेरे को फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये गिल ऐसी ही अच्छी लगी, अगर उतारोगे तो खिचड़ी पक जाएगी। आप बताओ, अभी शर्त रखो, पहले शर्त रखो, अभी उतरने के बाद क्या मतलब इसका रिजल्ट क्या? ये बहुत अच्छी लगेगी, देख लेना आप। अच्छा। आई बात समझ में, बहुत अच्छी, इधर से वही रहने दी है मैंने, इधर से चेंज। आप शर्त रखो, खिचड़ी भी अच्छी, मेरी तरफ से आप शर्त रख लो 100 रुपए की, कि मतलब इसका क्या रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जो पिछली मेहंदी है ना, जो पिछली मेहंदी है उसका रंग अभी आ रखा है, खिचड़ी हो जाएगी पूरी। खिचड़ी अच्छी होती है, मैं कहता हूं तेरे को, खिचड़ी इनको वैसे ही पसंद है, खिचड़ी खिचड़ी लौकी तोरी घिया टिंडा इनकी फेवरेट है, मेरी भी कड़ी प्लस कड़ी, ये अच्छी है गाइस। आप अभी कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे को वैसे अभी ये जो डिजाइन है ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, डबल डबल। क्या तुम लोग ऐसा वो करे, कुछ नहीं होता, अच्छी चढ़ेगी मेरी मेहंदी, जब मैंने पहना ना इसके ऊपर अच्छा अच्छा सूट लहंगा और मेकअप और ये मेहंदी सब अच्छी लगेगी। हाँ तो जैसे एक बार मेहंदी करवाते हैं तो खर्चा होता है तो, और 2 बार करवाते हैं तो खर्चा डबल होता है। ये खर्चा डबल हुआ है, बोलते हैं सस्ता महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मैंने सस्ते के चक्कर में इन्होंने मेरे को बोला कि तू वहीं से लगवा लो जो 3,000 रुपए पर हैंड मांग रहा था। लेकिन एक बार दिखा दो एक बार डीपली, लेकिन ये बहुत अच्छा डिजाइन है आपकी बार, अच्छा है भैया, बहुत अच्छा, इधर भी देखो जस्ट लुक लाइक वाओ। अब ये कितने टाइम बाद धुलेगा, ये है कितने टाइमिंग के बाद धुलेगा? अभी ये ड्राई होके अपने आप निकल जाएगी, अब नहीं मैं धोऊंगी, वैसे सूख के निकल जाएगी। चलो, और बाकी भाई हेयर गार्डन में अभी तक जो है काम चल रहा है, कोई नहीं लगवाते रहो। ये देख लो गाइस, यहाँ पे इसको कहते हैं पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस ही नहीं है, सबर ही नहीं है, मतलब ये देखो, देखो। RAGNI आगे लिख लो, रजनी, रजनी कौन है? SH अच्छा अच्छा SH बात करते हो भैया, तो ये आप लिखवा सकते थे, ये भाई लिख देता अपने पति का नाम अपने हाथों से लिखे ना, तो अच्छा। और भी होती है। एक बार और बोल दो, मैं रील में लेना चाहता हूँ, ये किसने लिखा, ये लिखा तो
बड़ा अच्छा था, इन्होंने खराब कर लिया मेहंदी को। अच्छा आपने लिखा था नहीं अभी देखो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा ये नाम अच्छा लिखा हुआ है ये बोल रहे हैं अच्छा नहीं लिखा नहीं ये ऐसे लग गया था इधर लग गया था आज मेहंदी का जो मतलब टास्क था ना पूरा वो नहीं ना वो बिल्कुल खत्म वो बिल्कुल उसमें आप बिल्कुल बिल्कुल डैमेज हार चुके आप बिल्कुल इसमें मेहंदी वाले टास्क में मेरी मेहंदी का सबसे अच्छा आएगा जरूरी होता है कलर सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लाइक तो भाई बहुत बढ़िया रील बनाई अभी रीत भाभी ने दो तीन बार बनाई है लेकिन तीनों बार अच्छी बनी है ना हाँ। तो अभी, अभी एक बार और बनानी हाँ, एक और तो भैया रात के 2 बज चुके हैं और मैं आपको एक शख्स दिखा देता हूँ जो अभी तक पंजाब के जाने माने चेहरे हैं जो हमारे साथ हैं अभी तक आपका जाने का नाम उनको एयर गाड़ी इतना पसंद आया तो आप बताएंगे बाकी मैं यही बताना चाहूंगी कि अमर मतलब इस टाइम तक हमारे साथ है वो हाँ। क्यों क्योंकि इनके हेयर एक्सटेंशन जो है कंप्लीट हाँ। अभी हुए हैं बाकी हम लोग वैसे ही गप्पे मारने बैठे हुए थे लॉन्ग प्रोसेस चला दिया हमने पहले गप्पों का फिर नहीं हमारे पास जो भी सेलिब्रिटी आता ना उसके साथ टाइम पास करने के लिए टाइम बिताने के लिए हम ऐसी तो एक्सटेंशन हो चुके हैं अमर के बिल्कुल अच्छे से कल इनका एक केराटिन वॉश होगा तो रिजल्ट उसके बाद बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट सॉरी गाइस ये खुद बोल जाते हैं पर बोटॉक्स की यार सर बोल जाते हैं पूरे मतलब ट्रीटमेंट बोटॉक्स या केराटिन कुछ भी लगा लो कि ट्रीटमेंट करे है ना ट्रीटमेंट करे और उस तो बाद सुबह वॉश करेंगे फिर जो रिजल्ट है वो दिखूंगा बहुत बढ़िया हम तो बोल नहीं रहे घर जाओ चलो गाइस ठीक है फिर मिलते हैं दीदी दे व्लॉग दे विच फिर मिलेंगे कभी बट तुसी रीत कॉलेज नु फॉलो करो न्यू अपडेशन जरूर लेंदे रहया करो बाय 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 तो गाइस अभी भाभी हमारी खुश हो रही हैं बहुत ज्यादा मेहंदी को देख के और मेहंदी अभी धुली नहीं है अभी ये वाली क्योंकि जो पहली धुली थी उसने ये वाला रंग दिखा रखा है ये वाला ये येलो वाला जो है और अभी जो धुलेगी क्या कह रहे हो खिचड़ी येलो कलर की होती है सर खिचड़ी आपको पसंद है बहुत तभी तो मैंने इसलिए आपने करवाई ये इसलिए आपने करवाया वैसे मुझे को पता है ये तो चीज पता इनको खिचड़ी पसंद है तो मैंने खिचड़ी बनवा ली बट नहीं भैया सीरियसली जब कलर आएगा तब देखना बहुत अच्छा आएगा हम भी यही बोल रहे थे जब पहले वाला डिजाइन बनवाया गाइस ये बता देना ये डिजाइन कोई गलत है एक बार दिखा देना भैया ये वाला गलत है बहुत अच्छा डिजाइन है तो गाइस ये मैंने रख लिया है ना अभी तो मैंने अच्छा। इस पे लगवाया ही नहीं था तो ये हाथ पूरा भरवा लिया ठीक है अब ये रिजल्ट देखना हमें रिजल्ट इनका तो ये है कि खिचड़ी पकेगी नहीं पकती ठीक है तो गाइस पूरा हेयर गार्डन जा चुका है ये देखो मैं सोच रही हूं सर की यहीं खा के चली जाती हूं व्रत तो रखना ही है ना नन्ना क्या है यहीं खा लो ये नकली सी होती जो होती है ना खाने का भी क्या काम मिलेगा 2 बजे क्यों आपको देखो आप खाने के बारे में तो सर को पता है पूरे इंडिया में सारा इनको पता है पहले खाना खाऊंगी फिर उठ के सरगी दो दो चीजें खा के फिर फास्ट कैसा हुआ अच्छा फास्ट तो कल है सरगी के बिना कभी फास्ट नहीं होता सरगी खानी चाहिए सरगी वो क्या बोलते हैं पापड़ी मिट्टी हाँ वो तो लेके आए फिर पहले उससे पहले खाना भी तो पहले खाना है अच्छा अरे यार कोई ना ऐसा फास्ट तो मैं रख सकता हूँ वो लो दिन चढ़ने से पहले खाना उसके अच्छा। बाद पानी भी नहीं पीना कैसे बात करते हो भैया रखो आप सुबह पता चले ना, ना, किसी के नाम मैं, का मैं तो सोचा कल के लिए है ये ऑफर व्रत तेरे नाम का रखने लगे हैं अनुज भैया व्रत आप भी कुछ सोचो ना मैंने कुछ नहीं रखा ये सब
कमली को नहीं, कोमल को नहीं रुका कमली को दे ये सब जान सा है गाइस, एडिटर मैं ही हूं। चलो सर फिर चलो, चाबी नहीं है अपने पास आज, किसके पास वाले, किसके पास एक चाबी वाले की एक चाबी बंटी ले गया आज बैठे रहो ये क्या हुआ ये प्रभु जगन्नाथ हम कितना बिना चाबी के लॉक कर नहीं सकते, बिना लॉक के घर जा नहीं सकते। तो भाई थोड़ी तकनीकी वो आ गई खराबी, अभी थोड़ी देर में संपर्क करते हैं।